हेलो मेरे भाई, तो कैसे हो तुम सब बंदे? उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहेगा। ओके तो गाइस, एक बिल्कुल ही न्यू इमोट आया है। अरे मस्ती नहीं कर रहा हूँ यार, आज की वीडियो में सचमुच में तुम्हें ये वाला इमोट बताने वाला हूँ कि कब तक आएगा अपने सर्वर के अंदर। तो ये तो होगी डीजे राकेश वाले इमोट की बात कि कब तक आएगा अपने सर्वर के अंदर। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ मैं तुम संबंधों को आज की वीडियो में ऐसे बहुत सारे इवेंट्स अपडेट बताने वाला हूँ जिसको देखने के बाद तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। तो इसी बात पर बजाओ ताले। और गाइस, क्या तुम सब बंदे जानना चाहते हो कि अपने सर्वर के अंदर वन पंच मैन और बनी बंडल कब तक आने वाला है? अरे हाँ भाई हाँ, मैं नहीं दिखाऊंगा। ये सब बताने से पहले मेरी एक शर्त है, तो अपने बालों से खेलना बंद करो, जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन वाले बेल को ऑल पे सेट कर दो, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और जो इवेंट तुम संबंध को जान लेना वो मैं तुम्हें वीडियो के आगे बता दूं। ओ चूना लगा दिया। तो बढ़ते हैं हमने पहले अपडेट की तरफ बिना किसी देरी के, चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आपके पास शादी के कपड़े नहीं है तो टेंशन मत लो, क्योंकि फ्री फायर के अंदर अब बहुत सारे कपड़े आने वाले हैं, वो भी शादी के। तो जैसे कि तुम देख पाओगे तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर तुम्हें दिख रहा होगा एक व्हाइट वाला बंडल, मैंने तुम्हें दिखा दिया वो, इसलिए जल्दी हटा दिया मैंने क्योंकि वो कुछ ज़्यादा खास था नहीं। लेकिन खास बंडल ये वाला है जो तुम सब मैंने तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर देख पाओगे, ये बंडल जो है अपन को बिल्कुल ही फ्री में मिलने वाला है, जो कोट पेंट वाला है। यानी कि बंडल तो देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुझे वाला बंडल बहुत ज़्यादा पसंद आया है, मुझे अपन को बिल्कुल ही फ्री में मिलने वाला है। तो वो एक इवेंट आने वाला है अपने सब के अंदर बहुत ही जल्द, उसके अंदर अपन को बिल्कुल ही फ्री में मिल जाएगा। बात करें इमोट के बारे में, तो ये वाला इमोट भी अपन को एक इवेंट के नाम आने वाला है बहुत ही जल्द, एक बहुत ही बड़ा इवेंट अपने सर्व के अंदर शुरू होगा जिसके अंदर अपन को ये वाला इमोट भी मिलेगा। तो ये अपन को फ्री में नहीं मिलेगा, डायमंड अपन को उसके अंदर देने पड़ेंगे। इवेंट जैसे कन्फर्म होता है मैं तुम संबंधों को बता दूंगा। उसके बाद निकल के आता है अपन का डीजे राकेश वाला, मतलब जो इमोट है जो अपन का कैमरामैन आ चुका है, जो वीडियो बना रहा है बहुत अच्छी। तो शादी के कपड़े तो आ चुके थे लेकिन अब भाई वीडियो वाला भी तो आना चाहिए ना, तो इसलिए वीडियो वाला भी गरीना ने ला दिया है। तो टेंशन मतलब सारा अरेंजमेंट हो चुका है, अब बहुत ही जल्द शादी होने वाली है आलोक और कैली की। और गाइस, एक और बात मैं तुम संबंधों को बता दूं कि भाई बारात में बस तो आएगी सही ना, यानी कि बस भी तुम सब बंदे देख सकते हो, बारात के लिए बस भी इंतजाम हो चुकी है। अब ये सारे के सारे रिवॉर्ड अपन को एक बहुत ही अलग इवेंट के अंदर देखने को मिलेंगे। और ये बता दूं कि बस नहीं है, ये लोबी प्लांट है, यानी कि भाई मनी प्लांट तो नहीं, लोबी प्लांट है जो तुम भाई लोबी में लगा सकते हो, इससे तुम्हें कॉइन मिल जाएंगे। ठीक है, डायमंड तो मिलना वैसे बंद हो चुका है। सारे के सारे जो रिवॉर्ड मैंने तुम्हें दिखाया ना, ये अपन को एक बहुत जल्द एक वेब इवेंट के अंदर देखने को मिलेंगे, यानी कि भाई एक कॉलेज इवेंट के अंदर देखने को मिलेंगे जिसके अंदर तुम्हें बहुत सारे न्यू रिवॉर्ड मिलेंगे। जैसे कि भाई तुम्हें कुछ मिशन करना पड़ेगा जिससे तुम्हें सारे के सारे आइटम जो है वो मिल जाने वाले। उम्मीद करता हूँ कि तुम संबंधों को ये सारे के सारे आइटम पसंद आएंगे। अगर पसंद आते तो वीडियो को लाइक जोर से कर देना, क्योंकि ऐसा आइटम तुम्हें मेरे से और कोई भी नहीं बता सकता यार, तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है ना। तो ये वाला इवेंट तो तुम्हें पसंद आ चुका है, लेकिन अगला इवेंट भी तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो बढ़ते हैं हमने अगले अपडेट की तरफ। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। वन पंच मैन, यानी कि भाई वन पंच मैन की तो बहुत ज़्यादा क्रेज हो रहा है अपने इंडियन सर्वर के। और तुम सब बंदे जानते होंगे कि वन पंच मैन जो है जब तक कोई अलग से इवेंट के अंदर नहीं आते ना तब तक मज़ा नहीं आता। तो जैसे कि तुम सब बंदे जानते होंगे कि वन पंच मैन अपने सर्वर के अंदर आए थे थोड़े टाइम पहले, लेकिन तब इसका क्रेज इतना नहीं था, यानी कि भाई तब चार पाँच एक साथ आए थे ना, इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन अब भाई मेरे पास मानो और बहुत ही ज़्यादा अपने सर्वर के अंदर एक वापस से वन पंच मैन रिटर्न बैक आने वाली है, वो भी एक बहुत ही अच्छे इवेंट के अंदर, यानी कि टोकन टावर जैसे ये इवेंट है। वैसे टोकन टावर तो नहीं बोलेंगे, मतलब वैसा इवेंट है, इसके अंदर तुम्हें टोकन इकट्ठे करने पड़ते हैं, लेकिन टोकन टावर में ज़्यादा डायमंड लगाने पड़ते हैं, इसके अंदर कम लगाने पड़ेंगे। ठीक है, अब बात करें कि ये वाली गन की स्किन है कैसी, तो गन की स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी है। और अगर तुम ये वाली गन की स्किन लेते हो तो तुम भाई नुकसान में नहीं जाओगे, वैसे अपनी रेलवे तो नुकसान में चलती है लेकिन तुम बहुत ज़्यादा फायदे में रहोगे ये वाली गन को लेने के बाद, क्योंकि इसके ना एनिमेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर इस वाली गन को यूज़ करते हैं, और भाई मेरे पास भी ये वाली गन की स्किन नहीं है, लेकिन अगर आई अपने सर्वर के अंदर रिटर्न बैक एक अलग से इवेंट के अंदर, तो इसको मैं जरूर से लेने की ट्राई करूंगा। तुम सब बंदे बताओ कि तुम्हें ये वाली गन की स्किन कैसे लगी, पसंद आई या फिर पसंद नहीं आई, कमेंट करके बताना। और पसंद आती ना तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन वाले बेल को ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि बिल्कुल ही फ्री काम है यार। और मैं तो तुम्हारा एक छोटा भाई जैसा हूँ ना यार, छोटे भाई लगता काम तो कर सकते हो या नहीं कर सकते, कमेंट करके जरूर से बता देना। और बर्तन नम ने अगले अपडेट की तरफ, क्योंकि अगला जो अपडेट ना वो इससे भी ज्यादा धासु है। तो बर्तन नम ने अगले अपडेट की तरफ। ओ भाई ये क्या है? तो अब एक ऐसा इवेंट में तुम सब बंदों को बता रहा हूँ जो सबका फेवरेट है, हाँ वही डिस्काउंट इवेंट। तो भाई डिस्काउंट इवेंट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और तुम्हें भी पसंद होगा, और भाई सबको होना चाहिए, क्योंकि भाई सबसे कम डायमंड के अंदर सबसे अच्छी चीज़ यही पे मिलती है। एक तरह से मान लो कि दिल्ली का चोर बाजार और अपने फ्री फायर का डिस्काउंट इवेंट के अंदर कोई अंतर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी सारी चीज़ें बहुत
कम दाम में मिल जाती है और दिल्ली के चोर बाजार में भी। बात करें कि इस बार अपन को इलाइट पास पे डिस्काउंट देखने को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, तो इस बार अपन को इलाइट पास पे डिस्काउंट देखने को मिल सकता है, लेकिन भाई ज़्यादा चार्जेस नहीं है, बिल्कुल मैं ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन आप ऐसा नील दिल्ली निकल के आ रही है कि अगले मंथ के अंदर अपन को अपने सब अंदर लक्की व्हील इवेंट देखने को मिल सकता है। हाँ, जो इवेंट तुम्हें तो मैं अभी दिखा रहा हूँ तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर, ये अपन को अपने सब अंदर नेक्स्ट वीक देखने को मिल सकता है अक्टूबर के मंथ में। अब वो शुरुआत में आ गया तो भाई इसको नहीं लाइट पास नहीं आएगा, लेकिन 20 तारीख के बाद अगर अपन को डिस्काउंट इवेंट देखने को मिलता है ना अपने सर्वर के अंदर, तो भाई शायद तक अपन को मिल जाएगा, मतलब इलाइट पास पे डिस्काउंट भी मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि तुम सब लोगों को इलाइट पास पे डिस्काउंट चाहिए होगा, चाहिए या फिर नहीं चाहिए कमेंट डाउन करके जोर से बता देना, और अगर तुम सब लोगों को ये वाला इवेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जोर से कर देना, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ यार तुम सब बंदे वीडियो को लाइक बिल्कुल भी नहीं करते यार, बिल्कुल ज़्यादा कंजूस हो चुके हो तुम सब बंदे यार, तो वीडियो को लाइक करो यार, ऐसा मत करो, जल्दी जाओ और वीडियो को लाइक कर देना। तो बर्तन ने अगला अपडेट करा, क्योंकि अगला जो अपडेट है ना वो अब तुम्हारा फेवरेट अपडेट होने वाला है, यानी कि अगला अपडेट के अंदर मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो भाई तुम्हें किसी ने भी नहीं बताई होगी, और आज वो वाला इवेंट देखने के बाद ना तुम खुशी खुशी ये वीडियो देख के जाओगे। तो बर्तन ने अगले अपडेट की तरफ, बस हवा निकल गई। अरे गाइस डरो मत, मैं तुम सब बंदों को बता रहा हूँ अपने बनी बंडल के बारे में। तो बनी बंडल तो अपना वन एंड ओनली बंडल है, तो भाई ये बाहर के सर्वर के अंदर तो आता रहता है, लेकिन अपने सर्वर के अंदर नहीं आता, यानी कि भाई ये भी बहुत ज़्यादा नकता है, अपने सर्वर के अंदर बहुत टाइम से नहीं आया है, लेकिन भाई अब इसको आने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि तुम सब बंदे जानते होंगे अगर किसी भी गेम को टिकना है ना तो कुछ ना कुछ तो रेयर चीज़ अपडेट लाते रहना चाहिए, तो इसलिए गरीना जो है अब बहुत ही जल्द बहुत सारे नए पुराने चीज़ें रिटर्न में ला रहा है, जैसे कि क्रिमिनल बंडल तो आ गया, अब और भी बहुत सारे इवेंट आने वाले, बहुत सारे बंडल आने वाले, तो एक लख वाला अपन को अपने सर्वर के अंदर देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर बनी बंडल अपने सर्वर के अंदर आ सकता है। अब भाई ये तो इसके लिए कुछ कन्फर्म चांसेस है नहीं, यानी कि भाई कुछ कन्फर्म डेट नहीं है, लेकिन इतना तो कन्फर्म है कि गरीना इसको भाई रिटर्न में जोर से लाएगा, और तुम सब बंदे बताओ कि ये रिटर्न में आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए कमेंट डाउन करके जोर से बताना, और उम्मीद करता हूँ कि तुम सब बंदों को ये वाला बनी बंडल पसंद आया होगा, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया, अगर तुम्हें पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जोर से कर देना। तो आज की वीडियो में इतना ही मेरे भाई, वीडियो जरा से पसंद आती है, वीडियो में से कोई साइड या फिर अपडेट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन वाले बेल को ऑल पर सेट कर दो। मिलता हूं मैं तुम सब बंदों से कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय। तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।